सामने राइट साइड तो शुरू होता है सर, अभी राइट साइड लेफ्ट साइड टी एस्टेट है, टी एस्टेट का नाम बोलते हैं कुन्नूर सिंगारा टी एस्टेट है। इंडिया का ओल्ड पूरा इंडिया का मुमताज है ना, हस्बैंड आपके मयूर मधुवानी है ना, उनका कुत्ता गार्डन है सर, 2500 एकड़ है। थोड़ा सामने मुमताज का स्टॉप आएगा, चाय पत्ती के पूरा तोड़ने का पूरा एक्सपीरियंस करने का, ऑयल फैक्ट्री है सर, ऑयल नीलगिरी यूकेलिप्टस ऑयल, अभी जॉइंट पेन ऑयल है, ग्लो ऑयल है सर, अभी यून ऑयल है, पूरा ये यूज़ करने के लिए सर, जर्दिलिस के लिए यूज़ करने के लिए, नीलगिरी यूकेलिप्टस ऑयल है सर, इंडिया के लिए जर्दिलिस के लिए, अभी जॉइंट पेन ऑयल है, कलतरी ऑयल है सर, उसके बाद ग्लो ऑयल है, साइनेसर का प्रॉब्लम है, ऑयल यूज़ करने के लिए पूरा फ्लेक्सिंग है। शुक्रिया, मैं हूं इस सिल्वर कंपनी की स्टाफ, हम आपको समझाने के लिए आए, जस्ट टू मिनट्स कुनूर की बारी में, क्या है कुनूर में स्पेशल चीज, ओके, प्लीज गेट ऑन एवरीबॉडी। हेलो सर, दिस इज ऑयल फैक्ट्री, आई एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस प्लेस, प्लीज गेट ऑन, ओके। चलो भाई अंदर आइए भाई, चलो बात चलिए, आपको पहले ऑयल के बारे में से बताएगा, देखिए आइए बाबू जी, आइए अंदर आइए, ऊटी में देखे तो हर सबको मालूम है, सब्जी वेजिटेबल से फेमस है ऊटी, कुन्नूर में बहुत कुछ फेमस है, नहीं तो चाय, स्पाइसेस, ऑयल आइटम्स, फ्रूट्स, क्रीम्स एंड होममेड चॉकलेट आल्सो। बिफोर 1890 ईयर्स बैक जब अंग्रेजी का अपना इंडिया में ब्रिटिश, उस जमाने में दिस ऑल कॉफी, जहाँ जहाँ अभी हम लोग चाय देख रहे हैं मैक्सिमम कॉफी का वो सारा निकालकर आजकल फुल एंड फुल टी है। मतलब ये है कॉफी में ईयरली 2 times ओनली मनी, टी में एवरीडे मनी, एवरीडे सीजन, इसलिए वो सारा निकालकर टी प्लांटेशन फुल एंड फुल हो चुका है, मिनिमम कॉफी है। नीलगिरी बोलने से हर सबको याद आएगी नीलगिरी तेल, यहाँ पर बहुत फेमस है यूकेलिप्टस ऑयल, नॉट ओनली यूकेलिप्टस ऑयल, जॉइंट पेन ऑयल, क्लोव ऑयल, डैंड्रफ ऑयल, ईन ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल और बांधने के बाद जो पुराना जो ऑयल निकाला हुआ पत्ता है उसी को वेस्ट नहीं करते, उसी को जलाते हैं यहाँ पे 5 to 6 hours उसको आग में जलाना पड़ता है, फायरिंग एकदम तेज, और उसके बाद जलने के बाद क्या हो जाता है आपको मालूम है, पत्ता और वाटर दोनों मिलके एकदम बॉयल होता है, बॉयल होके स्टीम हो जाता है, स्टीम होके ऐसे आता है पाइप से इधर आके ऐसे घूम घूम के नीचे चले जाता है, पानी के अंदर पाइप है, पाइप के अंदर लिक्विड है, लिक्विड कैसे निकलता है पानी के साथ में निकलता है, ये देखिए ये कूल ठंडा करने के लिए, उसके बाद जो है यहाँ आके गिरता है पानी, तो डेंसिटी ज्यादा आपको वजन ज्यादा पानी नीचे चले जाता है अपने आप, और हल्का सा जो ऑयल है वो ऊपर उड़ जाता है लाइक दिस, ये पानी है नीचे, पानी है ऊपर ऑयल है, ये है यूकेलिप्टस ऑयल, मतलब खांसी, मेहंदी, बुखार, सर्दी, सिर दर्द, जुकाम के लिए यूज होता है यूकेलिप्टस ऑयल। सेकंड जो लीफ है ये है हीना लीफ है ना, अगर ये मेहंदी है वो नहीं है, ये हीना लीफ है, इसमें से बंदा आपको हीना ऑयल, ये पता किस लिए है आपको, वन साइड माइग्रेन के लिए, चेस्ट कोल्ड के लिए, सांस लेने में मुश्किल है, वीसी प्रॉब्लम होता है, उसके लिए 4-5 बूंद गर्म पानी में डाल के स्टीम लेने से उसी टाइम आपको पसीना से सारा क्लियर हो जाता है, इसका नाम है कीना ऑयल। और सुनने का एक बार देखिए, ये है जॉइंट पेन ऑयल, जॉइंट पेन ऑयल मतलब कलतरिया बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं वात का तेल, और इसको बोलते हैं विंटर ग्रीन, पेन किलर, सब मुंह आयोडक्स विक्स, चंडुबाम, वालिंग वो सारा बनता है ना, वो इसी में से बनता है, अगर ये नहीं मिलाया तो कुछ भी नहीं है। ये है
गलतेरिया ऑयल, इसको जो है ना जैसे पुराना दर्द होगा, पुराना किसी को दर्द है उसी दर्द पे है। मैडम मेरा बात सुनिए, आप बात में आप आराम से बैठ के बात कीजिए। सी और ऐसा है, जिसको दर्द है उसको वहां पे गर्म करके मतलब एक बोल डाल के गर्म करेंगे तो एकदम पेन निकल जाता है। प्लास्टिक में डाल के गर्म करेगा तो प्लास्टिक भी मेल्ट होता है, उतना स्ट्रांग रहता है ये। इसका मतलब है ऐसा नहीं है अपना बदन जल जाएगी, वैसे कुछ नहीं होता है, पेन पेन निकलता है। थैंक यू। ये सही पूछा आपने, ये जो यूकेलिप्टस पेड़ है ना, इसका रूट से आता है, उसको रूट से बनता है ये ग्रीन ऑयल, इसमें से बनता है ग्रीन। और ये जो है ये इसमें से बनता है, ठीक है। चाय के बारे में आपको समझना है ना जी, एक चिका खड़ा हो जाइए। जी, चाय बनाने के लिए खाली ऊपर का निकालते हैं, ऐसे दो पत्ते हैं, बीच में से एक बर्ड, प्लकिंग ओनली लाइक दिस टू लीफ ऑन बर्ड, इसी में से बनता है आपको बेस्ट क्वालिटी की चाय। बाकी जो सारा लीफ है नीचे का, जो जितना भी सारा पत्ता है, फोर्थ लीफ है, मदर लीफ, उसमें भी टी बनता है, तो इसलिए छोड़ रखा दोबारा ऐसे ही बढ़ने के लिए। वो सारा निकाल देने से वापस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है दैट मदर लीफ होता है, उसको तोड़ने से वापस ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए प्लकिंग ओनली लाइक दिस टू लीफ ऑन बर्ड एवरी आफ्टर 11 डेज वंस, सो मंथली टू टाइम्स प्लकिंग होता है इसको। अभी हम लोग सूंघ में से चाय का खुशबू इसमें से बिल्कुल नहीं रहेगी। इसको पहले ये जो ट्रफ है इसमें से ये वेस्ट है, खाली आपको देखने के लिए डाल रखा है, ये कूड़ा वेस्ट है, इसके अंदर पूरा भर के ये पत्ता डाल देते हैं। उसके बाद 8 hours to 9 hours फैन पे इसको सुखाना मांगता है। 8 hours to 9 hours फैन पर ड्राई होने के बाद उसके बाद क्रशिंग होता है, क्रशिंग होता है, बहुत बड़ा मशीन है, इसमें भी चाय बनता है। क्रशिंग के बाद जो है रोस्टर होता है, बगल में होना है, उसमें आपको 160 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर से लेकर 250 डिग्री टेम्परेचर पे रोस्टर होता है सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट के बाद चाय का खुशबू निकलता है। ये जो बीच का जो बर्ड है इसी में से तैयार होता है ऑर्गेनिक ग्रीन टी। सुना होंगे आजकल की जमाने में चाय में सबसे कॉस्टली और बेस्ट बोलेगा तो ग्रीन टी है। मतलब अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग कंट्रोल, एंटी एजिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि जिसको बीमारी है वही बिना ग्रीन टी, वैसे नहीं होता है, बच्चे से लेकर सभी लोग पी सकता है। सेकेंड जो लीफ है इसमें तैयार होता है बीओपी, बीओपी मतलब ब्रोकन एस्पेगोलिटी, डिसलाइक स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेवर कड़क चाय। उसके बाद मसाला टी, चॉकलेट टी, जिंजर टी, कार्डमम टी, टोटल 8 तरीका की चाय दो पत्ते उन बड़े में से तैयार होता है। याद रखिए आप सब, टी नॉट प्लांट, टी ट्री होता है, इसका लाइफ 130 ईयर्स। आफ्टर 130 ईयर्स के बाद लीफ जो ग्रोथिंग कम होता है इसलिए उसको निकालकर न्यू ट्रीज लगा देते हैं। और गाढ़ कंदर तो आपने देखा होंगे बीच बीच में लंबा लंबा पेड़ ट्रीज, उसको बोलते हैं सिल्वर ओक ट्री। सिल्वर ओक ट्री इसलिए लगाते हैं जब बारिश होता है तो पानी खींच के रख देता है, वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, जब धूप लगता है उसका जो शक्ति है ये सारे को मिलता है टी ट्री को, इसलिए गाढ़ कंदर लगाना जरूरी है सिल्वर ओक ट्री। और नीचे अपना गार्डन है स्पाइसिस की, इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, जावित्री, और कॉस्टली स्पाइसेस यहां पे ग्रोथ होता है, और वो में चॉकलेट भी बनता है। दिस अ फैंटास्टिक शूटिंग स्पॉट, नॉट ओनली तमिल मूवीज, ऑल अपना इंडियन मूवीज यहां पे शूटिंग करते हैं, बहुत सारा पिक्चर से लेके स्टिल लेटेस्ट, पुराना पिक्चर से लेके स्टिल लेटेस्ट मूवीज तक यहां पे शूटिंग करते हैं। शुक्रिया। ये है फैक्ट्री आउटलेट, यहां पर आपको पीने के लिए सारा चाय आपको फ्री में पिलाएंगे, टेस्ट इतना सा इतना नहीं मिलेगी, तो आप पीने के बाद आप खरीद सकते हैं, ऑयल स्पाइस सब कुछ मिलता है, प्लीज गो इनसाइड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो ये है चाय की फैक्ट्री, और बगल में था यूकेलिप्टस ऑयल और वो बाकी सारे ऑयल कैसे बनते हैं, हिना ऑयल। सो अब हम लोग जा रहे हैं उनके शोरूम, देखते हैं कैसा क्या है, चाय का टेस्ट करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें ऑयल और जो भी है इनका स्पाइसेस वो सारी चीज़ें मिलती हैं। ग्रीन टी मसाला चाय, नॉर्मल टी, ग्रीन टी सर, ग्रीन टी सर, पुड़ी हुआ गड़ी ले सर, दिस इज ग्रीन टी मसाला चॉकलेट है, नॉर्मल या चॉकलेट सर, चॉकलेट टी में कोको दाना मिक्स है, ये है चॉकलेट टी, चॉकलेट टी है ना, चॉकलेट टी, अब हम तो जल गए।
ऐसा लग रहा बूस्ट पी रहा है। ये फार्म है पीछे और ठंडक बढ़ गई भाई। ये देखो ये चाय का फार्म है, टीचर रेस्टोरेंट भी है, टॉप रेस्टोरेंट फूड ऑन ट्रक। तो ऐसे ही चल रहा अपना दिन, घूम रहे इधर से उधर, देख रहे कैसा क्या है। ये है चाय का फार्म, यहाँ ये है चाय का बागान। जो पत्तियाँ दिखाई थी वो यहीं से मतलब जाती हैं, तीन पत्ती जो भी है। और वो सामने देखो शहर नज़ारे, देखो भाई नज़ारे के लिए ही तो आए हैं इतनी दूर। सुंदर लग रहा है। चॉकलेट फैक्ट्री देखने हैं, चॉकलेट फैक्ट्री आओ देखते हैं। सो चॉकलेट फैक्ट्री देखते हैं कैसा है, चॉकलेट एक्सट्रैक्ट होता है कैसे। सो वेयर इज द चॉकलेट फैक्ट्री, वेयर नीचे। वाओ क्या स्मेल आ रही भाई। ये है ऊपर कोकोआ बीन्स रखे थे, जो भी सीड्स रखे थे तो उन्हीं से होता होगा। कोकोआ ट्री, उसके बाद ये कोकोआ फ्रूट होता है, इससे ये सीड निकलता है। इस सीड को आगे ड्राई किया जाता है डायरेक्शन लाइट पे, उसके बाद उसको रोस्ट किया जाता है 350 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसको मेल्ट किया जाता है रोस्ट करने के बाद। तो ये वो सीड या लिक्विड चॉकलेट उसको ट्रेन डालते हैं, फिर उसको ब्लेंड करते रहते जैसे अभी दिखाया, फिर चॉकलेट कटिंग करते हैं। तो ये है प्योर सीड, रख लो देखते हैं। तब गुरु नज़दीक से देखो, नज़दीक से ये है चाय का पेड़, चाय का पेड़। ये सब चाय के बागान हैं, यहाँ पे चाय की खेती होती है। महक देखो वैसे आ रही है, कूड़ा कितना फैलाते हैं यार। तो वी आर रोमिंग इन टी गार्डन ऑफ ऊटी, नो ऑफ कुनूर। सो this is a tea plantation, new tea plantation, and this is already grown tea plantation. So yeah, it's look nice. This is a very light colored animal, acha lag raha na. Thank you.